आज हम ये जानेंगे कि मंदिर पे जो घंटा है वो घंटा बजाने का जो सही तरीका है वो क्या है, वो कैसे करते हैं। देखिए, हम मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिर में जाते ही जब हम घुसते हैं मंदिर में, उसके बाद जो घंटा है उसके नीचे हमको खड़े हो जाना चाहिए और उसके बाद जो है घंटे को ऐसे बजाना चाहिए। घंटे को बजाने से क्या होता है, उससे जो तरंगे निकलता है यानी कि जो वाइब्रेशन है वो आपके अंदर जाता है, आपके सिस्टम में जाता है और आपको जो है वो पॉजिटिव एनर्जी देता है यानी कि सकारात्मक ऊर्जा देता है। उसके बाद आप मंदिर से जब निकल रहे हैं तब आप घंटा को नहीं बजाइएगा, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे आप किसी की घर में जाते हैं और कॉलिंग बेल बजाते हैं, आप घर से जब निकलते हैं तब नहीं बजाते हैं। वो ये भी जो है उसी तरीके से करना होता है और इससे जो है आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए या जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे। और अगर आपको फिर भी अगर पर्सनल कंसल्टेंसी लेना है, अपनी हथेली का विश्लेषण करना है, तो आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।